أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته والله ولي الحميد. صدق الله مولانا العظيم. وقال في موضع آخر: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बारिश हम ही बरसाते हैं। बारिश को बरसाने में किसी का दखल नहीं और ये मखलूक के बस की बात भी नहीं। बारिश जो है ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है और रहमत से पूरी इंसानियत, पूरे हैवान, नबातात, पूरी दुनिया सहरा होती है। और वैसे भी अल्लाह ने पानी के ऊपर ही हर चीज की जिंदगी का दारो मदार रखा है। पानी अगर न हो तो कोई चीज दुनिया में बाकी न रहे। अल्लाह ने पानी के जरिए से ही पूरी कायनात को वजूद बख्शा है। उसी की तरफ से जान डाली जाती है, यानी उसी पानी की वजह से इंसान, जानदार, चरी, परिंद, दरख्त, नबातात, जितने भी चीजें हैं ये पानी की वजह से हयात है। पानी जो है ये जिंदगी है। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय। हर चीज की जिंदगी हमने पानी पानी के ऊपर रखी। पानी जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं ये भी बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह से पानी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर पानी न मिले इंसान प्यास से मर जाता है, प्यास में सिसक कर मर जाता है। बाराने रहमत, हमने मक्का मुकर्रमा के अंदर देखा जब बारिश वहां होती है सऊदी अरब वगैरह में, तो वहां लोग हमारे यहाँ क्या जब बारिश होती है भाग के अंदर आ जाते हैं, करो बारिश आ गई, बारिश आ गई। अरब में क्या है, बारिश आते ही सब घरों से निकल के बाहर आ जाते हैं कि रहमत है, हम रहमत को अपने ऊपर ले। छाता भी नहीं लगाते हो, छतरी भी नहीं लगाते। जब बारिश बरसती है तो घरों से बाहर निकल के आते हैं, बूढ़े बच्चे मस्कुरा सब निकल करके बारिश में भीगते हैं, बड़ा मजा लेते हैं। कहते हैं रहमत है अल्लाह की। और वैसे भी मुल्क अरब में बारिश ज्यादा होती नहीं, कभी कभी होती होती, इसलिए वो लोग बारिश को बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। इसीलिए वहां जो बस्तियां बसी हैं वहां गटर वटर ऐसी ऐसी चीजें ज्यादा नहीं है, इसलिए कि बारिश होगी तो गटर के लिए जरूरत पड़ेगी। बाकी जो घरों का इस्तेमाल मान लिया वही कुछ ना कुछ बना करके उसको कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ घर के सामने गटर ताकि पानी, बारिश का पानी बह करके निकल जाए। वहाँ बारिश कभी कभी होती है, जब हरम शरीफ में बारिश होती है तवाफ करने वाले बड़े मजे से तवाफ करते रहते हैं बारिश में भीगते हुए, और बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि जब मैं तवाफ कर रहा था उस वक्त बारिश हो रही है। और हम लोग जब बारिश हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए, घर से निकलते हैं ये कहीं भीग न जाए। बहरहाल किसी को बात लोगों को माफी आती है, बारिश खास लोगों को नहीं आती है, सर्दी वगैरह हो जाती है, एहतियात भी जरूरी है। तो बहरहाल बात ये चली थी कि अल्लाह ने पानी को जिंदगी बनाया,
क्या है हयात। लिकुल शैय हय, हर चीज की जिंदगी पानी पर रखी। आप दरख्तों को ले, अगर दरख्तों को पानी न मिले पूरे दरख्त सूख जाएंगे। ये जितने भी पहाड़ आपको हरे भरे नजर आ रहे हैं, अब से चंद महीने पहले बिल्कुल बंजर थे, जब ये बारिश बरस गई अब हरे भरे हो गए, यानी पौधों में जान आ गई, पौधे बड़े हो गए, पौधे फल देने लगे। किसान भी बीज बो करके दुआ करता है कि अल्लाह बारिश बरसा। उसे पता है कि जो बारिश के पानी से फसल आती है उसका मजा ही कुछ और होता है, और जो ट्यूबवेल वगैरह की वजह से पानी आता है उसका मजा कुछ और होता है। बहरहाल पानी चाहे जमीन के नीचे हो या आसमान से बरसा हो, सब अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने इतने बड़े बड़े समंदर बनाए। नक्शा देखा होगा दुनिया का, दुनिया के नक्शे में एक हिस्सा जमीन है, तीन हिस्से पानी, तीन हिस्से पानी है, सिर्फ एक हिस्सा जमीन। तो मालूम हुआ कि एक हिस्से वालों को तीन हिस्से पानी की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत जो चीज है सांस लेने के बाद पानी। इसीलिए बाद पूछते हैं कि पानी को बेचना कि नहीं बेचना, इसलिए फिर भी मिल रहा है। आजकल तो बॉटल सिस्टम आ गया, फिल्टर फुला, एक बॉटल ले लो 25 रुपए। हालांकि पानी वो अल्लाह का है, इसीलिए आप कहीं भी होटल में जाएंगे, कोई बड़े से बड़ा होटल हो, आप जाकर कहें मुझे पानी दीजिए, उसे पानी देना पड़े, चाहे आप चाय पियो या न पियो, आप खाना खाओ या न खाओ होटल में, लेकिन अगर आप जाकर पूछे कि हमको पानी चाहिए पीने के लिए, तो जरूर वो किताब ला करके आपको दे। ये कानून बनाया गया है कि होटल वाले को पानी पिलाना है, कम से कम उतना तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई मुसाफिर जा रहा है उसे पानी पीने की जरूरत है, प्यास लगी हुई है, तो वो पानी उसको देना जरूरी है। ये नहीं कि चल हमारे यहाँ पानी नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। अब ये बॉटल का सिस्टम शुरू हो गया, बारिश के पानी को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, बोर के पानी को ज्यादा अहमियत दी जा रही, नदी के पानी को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। कहते हैं ये कचरा है नदी का पानी, उसमें सब हमारे बस्ती का पूरा गट जाकर के पानी में मिक्स हो जाता है। अगर आप सोचेंगे तो हर चीज गंदी है, खुद इंसान ही गंदा है, गंदे कचरे से पैदा हुआ, तो इंसान से ज्यादा गंदा कौन होगा? इंसान जो पैदा हुआ मणि के कतरे से पैदा हुआ, और मणि अगर बदन पर लग जाए कपड़ा नापाक हो जाता, इतना गंदा है इंसान। अगर आदमी सोचने पर आ जाए तो इंसान से गंदा कोई नहीं, लेकिन फिर भी सोचता है कि नदी का पानी है, उसमें गटर का पानी मिल रहा है, कैसे पिएंगे? बात अलग है। देखिए मसले के अंदर है, उलमा लिखते हैं कि बहता हुआ पानी नापाक नहीं होता। क्या कहा है? बहता हुआ पानी नापाक नहीं होता, इसलिए कि जो पानी बह रहा है उसमें गंदगी कितनी भी मिल जाए, लेकिन जब वो बह करके गया है तो बात खत्म, तो पानी पाक हो गया। उससे आप वजू कर सकते हैं, उससे आप गुस्ल कर सकते हैं, उस पानी को दिल चाहे तो पी भी सकते हैं, इसलिए कि वो पानी बहता हुआ पानी जो होता है उसमें गंदगी कितनी भी पड़ जाए वहां फिल्टर हो जाता है, बह रहा है पानी, इसलिए बहते हुए पानी को जिंदा पानी कहते हैं। हमारे नजदीक नदी का पानी, बारिश के पानी कोई अहमियत कदर नहीं है उसे कि ये गंदा पानी। हालांकि ये जो साइंस है वो भी कहती है कि नदी का पानी बहुत अच्छा पानी, चश्मों का पानी बहुत बेहतरीन पानी, जो बारिश के जरिए बारिश बरसने के बाद जो बहते हैं, हाँ उसमें जरा कचरा तो होता है,
नदी के पानी में, चश्मों के पानी में, कचरा होता है लेकिन पाक साफ होता है, पाक पानी होता है और उसके अंदर जरासीम होते हैं। ये जो बोतल का पानी आ रहा है अल्लाह जाने, ये पैकिंग होता है, जब कोई चीज उसकी पैक की जाती है तो वहां हवा ना होने की वजह से वो चीज खत्म हो जाती है अंदर अंदर, और जब फिल्टर किया जाता है तो अंदर जो जरासीम होते हैं पानी में उनको मार दिया जाता है। पानी में जरासीम का होना भी जरूरी है, जो जरासीम हमको नजर नहीं आता, इसलिए कि जब वो पेट में जाता है पानी हमारे खाने को वो जरासीम हजम करते हैं, हजम करने में वो पानी मदद करता है। और ये जो बोतल के पानी है कि कोई गारंटी नहीं है कैसा पानी, उसमें जरासीम भी बाहयात है कि नहीं है, जिंदा है कि नहीं, वो भी गारंटी नहीं है, इसलिए कि फिल्टर हो रहा है। इसलिए हमने देखा है बुजुर्गों और बड़े बड़े लोगों को जो दुनियादार है, दौलत वालन है, नदी के पास मकान बना करके रहते हैं। ये आजकल जो क्वार्टर सिस्टम चल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं कि गलत है या पीना उसका जायज नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जब भी पे पैकिंग जो चीज होती है उसमें कुछ न कुछ बदबू पैदा हो जाए, इसीलिए कंपनी वाले लिख देते हैं कि इसको 24 घंटे के अंदर अंदर यूज करो, वरना फिर उसके बाद चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। नदी का पानी पूरे साल भर बहता है, उसमें कभी भी कोई खराबी नहीं पैदा होता, इसलिए कि वो कह रहा है उसे हवा भी लग रही है, उसे धूप भी लग रही है, हर चीज उस पर असर कर रही है, इसलिए वो पानी हमेशा ताजा रहता है, कभी वो बासी नहीं होता, कभी वो इस तरह के उसको फेंक दिया जाए गंदा होगा, नहीं, वो पानी बहती हुई जो चीज होती है अल्लाह उसके अंदर हयात रख देते हैं। बहरहाल आजकल सहूलतों का जमाना है, बोतल ये सहूलत की चीज है, इसलिए उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जरूरत पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सफर में लेकर पी लिए और कोई ऐसा मसला है कि पानी नहीं मिल रहा है, इस्तेमाल करने में कोई जायज की बात नहीं है, लेकिन पानी की अहमियत बता रहा हूँ। अल्लाह ने हमें नदी नाले दिए हैं पानी के इस्तेमाल के लिए, अल्लाह ने आसमान से बरसाया है बारिश की शक्ल में पानी और जमीन के अंदर अल्लाह ने स्टोर किया, फ्रिज में जैसे स्टोर करते हैं ना, वो जो बारिश का पानी होता है हमने बड़े बड़े डैम बना लिए, क्या कर रहे पानी बह करके जा रहा है, इसको क्या कर लो, रोक रोक रोक, दीवार लगा दी, बड़ा डैम बना करके रोक रोक रोक, ठीक है, लेकिन अल्लाह का जो निजाम था, अल्लाह ने कहीं पानी को रोका नहीं था, बस उसका जिधर दिल चाहता था पानी निकल जाता था, इसलिए कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसे रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, पानी को खुद बना लेता है, इसीलिए अल्लाह के कुदरत के हिसाब से जो पानी जिधर चल पड़ा वो नदी का हिस्सा होगा, अब वो नदी में जाएगा, नदी से समंदर में जाएगा पानी। हदीस शरीफ में है, दज्जाल जब आएगा दुनिया में उसके पास खाने का जखीरा होगा, खाने का जखीरा, ये नहीं कि भाई एक कमरा भर लिया फला भर लिया, नहीं, पूरी दुनिया का जखीरा उसके पास होगा खाने का। इसी तरह से पीने का यानी पानी का जखीरा भी दज्जाल के पास ही होगा, आप अंदाजा लगा लगा, इसलिए कि यही जो इंसान की जरूरत की चीजें हैं, खाना और पानी, यही तो सबसे जरूरत की चीज है और रोजाना की जरूरत की चीज है, तो वो उन्हीं चीजों पर कब्जा जमाएगा। दज्जाल जितने भी खाने के आइटम हैं, खाने के सिस्टम हैं, खाने के जखीरे हैं, सब को अपने मान तहत कर लेगा। इसी तरह से पानी की जितनी चीजें हैं उनको भी वो कंट्रोल में कर लेगा। इसीलिए हमें बोतल बोतल जा रही है, बोतल की आदत बनाई जा रही है, नदी नालों पर तो कतरा कर लिया उन्होंने डैम बना करके,
जब तक हुकूमत नहीं गएगी तब तक डैम वाला पानी छोड़ नहीं सकता। जब हुकूमत ही दज्जाल के काबू में चली जाएगी तो दज्जाल के ऑर्डर के बाद ही हमें पानी मिल सकेगा, और दज्जाल तभी पानी देगा जब उसको हम खुदा मानेंगे। जिसने दज्जाल को खुदा मान लिया वो गया ईमान में। पानी अल्लाह की रहमत है, जैसे पानी इंसान को जरूरत पड़ती है ऐसे ही पानी की जरूरत जमीन को भी। इसलिए कि जमीन के अंदर भी ऐसे आपको जानवर मिलेंगे, ऐसे आपको कीड़े मकोड़े मिलेंगे, उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। बाद मछलियां ऐसी हैं जो बारिश के जमीन के अंदर घुस करके अपना ठिकाना बना लेती है। जैसे इंसान को जरूरत है, जैसे चरिंद परिंद को पानी की जरूरत है, जैसे पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है, इसी तरह से खुद जमीन को भी पानी की जरूरत है। इसीलिए देखते रहते होंगे आए दिन जलजले आते आते, आए दिन जलजले आते आते। जब जमीन खुश्क हो जाती है, जमीन खुश्क हो जाती है तो कुछ कुछ इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। वो जलजले की शक्ल में हो या फुला की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, बहरहाल अल्लाह ने बारिश को हमारे लिए रहमत बनाया है, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, नबातात के लिए भी, हैवानात के लिए भी। ये पत्थर, ये पहाड़, इनको भी पानी की जरूरत है। हम सोचते हैं अल्लाह कितनी बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, मकान टूट गए, इंसानियत परेशान है। लेकिन अल्लाह जो है मिकदार के हिसाब से ही पानी को बरसाते हैं। आपने दुआ दुआ अल्लाह बारिश बरसा दे, दूसरे स्टेट में दुआ दुआ अल्लाह बारिश न बरसा, अब अल्लाह किसकी सुनेगा भाई? अल्लाह तो एक ही है और उसको बदले कुछ बदले कह रहे कि अल्लाह पानी बरसा और कुछ बदले कह रहे कि अल्लाह बारिश बरस नहीं सही है। अल्लाह किसकी सुनेंगे? इसलिए अल्लाह किसी की नहीं सुनते। वो वही चीज उतारते हैं जो लोगों के लिए नफा बख्श हो। बाद में बाढ़ आ जाती है, परेशान हो जाते हैं लोग। ये बाढ़ वगैरह आने के भी हम ही इसकी वजह है। हमने ऐसी जगह मकानात बना लिए जो पानी का एरिया था, पानी का हिस्सा था। ये गलती अल्लाह ने जो पानी बरसा उसकी नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमने नदी की जगह मकान बना लिया। अब कोई आदमी जाकर नदी में मकान बना कर लेंगे और डूब जाए तो किसका कसूर है? बचने वालों का कसूर है, ये अल्लाह का कसूर नहीं है। अल्लाह मिकदार के हिसाब से ही पानी बरसाते हैं, जितनी जरूरत है उतनी ही पानी बरसाते हैं। हाँ, बाज मरतबा अल्लाह ताला किसी को अजाब देना होता है, फिर आसमान से भी पानी बरसाते हैं, फिर जमीन से भी पानी उगलता है, फिर उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी कौम पर अजाब आया था, बारिश का अजाब, सैलाब का अजाब, नीचे से पानी, ऊपर से पानी। इसीलिए उनके बेटे ने कहा था कि अब्बा जान, अगर बारिश का यानी अगर सैलाब आ जाए, अगर पानी का अजाब आ जाए तो मैं पहाड़ पर चढ़ करके बैठ जाऊंगा, देख लेंगे तेरे खुदा को। नऊज़ बिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनका बेटा है, उनकी बात नहीं मान रहा होता है। नबी का बेटा बात नहीं मानता होता है ऐसा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस घर में पैदा हुए जिस घर में बुत बना करके बेचा जाता था। आदर हद इब्राहिम के जो वालिद थे बुत बेचा करते थे, बुत को बना करके बेचा करते थे, और उन्हीं के पेट से, उन्हीं की नस्ल से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं। बुत बनाने वाले के घर से, बुत लगाने की आवाज वाले घर से, वहीं से इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी पैदा हो रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात बाप की नहीं मानी, नूह अलैहिस्सलाम की बेटे ने नहीं मानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को टोकरा दे दिया, जाओ ये खुद बेच करके आ जाओ। लो जी नबी हैं और बाप कह रहे जाओ खुद बेच करके आओ। बुत ले लिए, सर पे रख लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चले बेचने के लिए।
क्या कह के बेच रहे हैं? ले लो गुरु जो सुरता नहीं है, ले लो गुरु जो देवता नहीं है, ले लो गुरु जो कुछ भी नहीं करता है, इसको चाहे ले लो। अजीब बात बात बात। अगर इस तरह से ऐलान करके बुध बेचेंगे कौन खरीदेगा? ये एक अल्लाह की दावत दे रहे हैं, बुत बेच भी रहे हैं और एक अल्लाह की दावत भी दे रहे हैं। ये लोग जो सुनता भी नहीं है, ये लोग जो देखता भी नहीं है, ये लोग जो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं करता हो, अब कौन लेगा भाई? ये बुत लेगा कौन? शाम को घर जो करो वापस ला कर, मैं अब्बा मैंने आवाज लगाई कोई नहीं दे रहा, लेकिन एक बुत घर के घर में, बुत बनाने वाले के घर में, बुत बेचने वाले के घर में नबी पैदा हो रहा है। इसी तरह एक नबी के घर में ऐसा बेटा जो नबूवत को इनकार कर रहा है, अल्लाह का इनकार कर रहा है, अल्लाह के आजाद को चैलेंज कर रहा है कि अगर पानी आ जाएगा मैं पहाड़ पर चल करके बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे बेटे ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का आजाद है, पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं, पहाड़ भी उसी का है, जमीन भी उसी की है, तू बच नहीं पाएगा, कहां जाएगा तू? कहने पहाड़ पर चला जाओ। नहीं माने नबी की बाप की, पहाड़ पर जाकर बैठ गया, पानी अल्लाह ने इतना बरसाया, इतना बरसाया, इतना बरसाया, आसमान से भी पानी बरसाया और जमीन से भी पानी उगलने लगा। तो ठिकाना कहाँ है? जब जमीन से भी पानी उगलने लगे, आसमान से बरसने लगे, तो कहाँ जाओगे? इसने दौड़ लगाई पहाड़ की तरफ, पहाड़ की चोटी पर जाकर के बैठ गया। यहाँ कैसे आ सकता है पानी? अल्लाह ने उसकी चोटी तक पानी पहुंचा दिया, पहाड़ की चोटी तक। ये सब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है, इसमें आसमान बनाया, चांद सूरज बनाया, जमीन बनाई, इतनी बड़ी कुदरत वाले को पहाड़ तक पानी पहुंचाना कौन सी बड़ी बात है? तो पानी बाज मरतबा अल्लाह ताला अज़ाब की शक्ल में भी उतारता है। जो कौम नहीं मानती, जो कौम हिदायत पर नहीं आती, जो नबियों के बारे में बुरा सोचती है, जो नबियों को कत्ल करती है, जो नबियों को परेशान करती है, अल्लाह ताला फिर उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल करती है। आवाजें लग रही है कि पानी कम हो रहा है दुनिया में, पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है। अल्लाह के नबी इसीलिए फरमाया करते थे, कोई भी चीज हो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। हमारे उस्ताद थे मुफ्ती नसीर अहमद इदरीसपुरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी मुफ्ती मेहरबानी साहब के उस्ताद, वो हमारे भी उस्ताद। वो जब आया करते थे हरसौली में, वहां लोटों में वजू करते थे, चाबियां तो अब लगी हुई, पहले लोग लोटा भर करके वजू किया करते थे, अब तो लोटों का दौर खत्म हो गया। एक लोटे में पूरा वजू कर लिया करते थे, आप अंदर अंदर एक लोटे के अंदर पूरा वजू कर लिया करते थे, तो हम बड़े ताज्जुब से उनको देखा करते थे, एक लोटे के अंदर पूरा वजू हो जाए कैसे हो सकता है? वो करके दिखाया करते थे एक लोटे के अंदर पूरा वजू, हमें वजू करने के लिए ही कम अज कम एक बाल्टी चाहिए, कम अज कम चाबी छोड़ करके बैठ जाते हैं। पानी बहुत कीमती चीज है, लेकिन कतरे का हिसाब होगा, इसीलिए वजू खानों पर लिख देते हैं बात समझदार लोग, पानी ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की ना कदरी करेंगे तो पानी पानी से तरस तरस के मरे। अल्लाह ने हर चीज की जिंदगी पानी पर रखी है। आज दुनिया वाले साइंस आवाज आ रही है कि पानी का जखीरा कम होता जा रहा है। बहरहाल हम तो कयामत की तरफ जा रहे हैं, कम तो होगा ही, बहरहाल तो ये ऐसी चीजें हैं कि मौसम को बदला जा रहा है। ऐसी हार टेक्नोलॉजी के जरिए, एक हार टेक्नोलॉजी है उसके जरिए से मौसम को बदल दिया जा रहा है। साइंस बहुत आगे गई, बहुत आगे गई।
लेकिन कितना भी आगे जाओ इस्लाम से आगे नहीं जा सकते। ये बारिश बरस रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जरा तकलीफ होगी कोई बात नहीं, इसके जरिए से खेतियां लहलहाएंगी, खेतियां सरसब्ज शादाब हो जाएंगी, इसके जरिए से अनाज उगेगा, इसकी वजह से जो महंगाई है अल्लाह इस बारिश के जरिए से उन महंगाइयों को कम कर देंगे, पूरी इंसानियत को फायदा होगा और जो बेचारे जानवर हैं उनके लिए घास मिल जाता है, वो घास खा करके हमें फायदा देने के लिए दूध भी हम उनसे पी सकते हैं, खा सकते हैं, जानवर तरोताजा हो जाएंगे, जंगल तरोताजा हो जाएंगे, पहाड़ तरोताजा हो जाएंगे। जब ये तमाम चीजें तरोताजा हो जाती है पोल्यूशन जो होता है उसके जरिए से साफ हो जाता है, और जब पोल्यूशन साफ हो गया तो इंसान बीमारी से बच जाता है, बड़ी बड़ी बीमारी से इंसान बच जाता है। ये सिर्फ पानी की थोड़ी बहुत मिसाल है, समंदर बड़े बड़े हैं, अल्लाह ने निजाम दिया कि वहां से भाप बन करके उड़ते हैं, बादल बादल बनते हैं, फिर आकर के बस्तियों में खेतों में बरसते हैं। समंदर का पानी खारा पानी है, लेकिन जो बारिश का पानी बरसता है वो मीठा बन करके बरसता है। देखिए अल्लाह ने क्या तब्दीली की, समंदर का पानी पूरा खारा है, उसको पी भी नहीं सकते, इतना खारा पानी होता है। और जब वही पानी आप बन करके ऊपर उठ रहे बादल करते हैं, फिर बादल से पानी बरसता है तो वो पानी मीठा हो जाता है। अगर हमें किसी पानी को मीठा करना चाहें कितनी पता नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मशीनें लगानी पड़ेगी, तब जाकर के मीठा जरा महसूस होता है, मीठा फिर भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ बंदा से उठा करके बादल बनाए, बादल बना करके बरसाया, पानी मीठा हो, पीने के लायक हो गए। अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत की निशानियां हैं। इसीलिए बाज़ साइंसदान इन चीजों को तहकीक करते 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 अल्लाह के कायल हो गए, कोई जात है जो दुनिया को चला रही है, मानना पड़ा। वाकई ये ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि इस चीज के पीछे बारिश बरसना, इतनी बरसना, ऐसे बरसना, बादल बनना, कोई ना कोई जात है इसके पीछे जो ये काम कर रही है, इस निजाम को चला रही है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने बारिश के पानी को पाक साफ बनाया, तहूरा पाक साफ पानी। इसलिए बारिश की दुआएं किया गया, ये बारिश जो हो रही है, ये पानी जो बरस रहा है हमारे फायदे के लिए होता है। बाज मरतबा इंसान अपने कारोबार की वजह से, अपने जाने आने आने जाने की वजह से, तकलीफ की वजह से कह देता है अल्लाह पानी यहीं बचाने की क्या जरूरत है, कहीं और बचा दे। नहीं, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे कपड़े सूख जाएंगे, हमारे कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से कितनी उम्मत को, पूरी इंसानियत को फायदा हो रहा है। इसलिए पानी को कम इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है कम इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा इकराम की हालत ये थी कि जितने भी कुएं वगैरह थे पानी के, सब यहूदियों के कब्जे में थे और यहूदी मुसलमानों के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे। जब ऐसे हालात पैदा हो जाते थे तो वो मना कर देते थे कि मुसलमान कोई भी ऐसे पानी नहीं भर सकता, इसलिए कि पानी इंसान की जरूरत की चीज है और उसी पर रोक लगा दी जाए कितनी परेशानी हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कोई ऐसा बंदा, है कोई मेरा ऐसा साथी जो इस कुएं को खरीद करके मुसलमानों को वहां करता है। हद समान मनी खड़े हुए, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मालदार बनाया, मालदार के साथ साथ अल्लाह ने उनको दिल वाला भी बनाया। इसीलिए उसे मान के आगे गनी लगता है, गनी के माने मालदार, उस्मान गनी, ये लकब इसी वजह से मिला है कि वो उम्मत पर अपनी पूरी दौलत को खर्च किया करते थे। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं इस कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दूं, चुनाचे उन्होंने कुएं को खरीदा मुसलमानों के लिए वक्फ कर दूं। पानी जरूरत की चीज है, इसीलिए अल्लाह के नबी बार बार फरमाया करते थे पानी को कम इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है कम इस्तेमाल करें। ये नहीं कि अगर आप समंदर के पास भी बैठे हो, नदी के पास भी बैठे हो, वहां भी पानी को कम इस्तेमाल करो, यहाँ तक रिवायत होने
इसलिए कि पानी का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा होना चाहिए। हाँ, जरूरत इतनी है उतना इस्तेमाल हो, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने पानी के जरिए से ही ये हमारे जितने जानदार हैं, हैवान हैं, इंसान है, सभी की जिंदगी बख्शी है। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमें पानी अपने घरों तक सफाई के साथ मिल रहा है, वरना आगे जो हालात हैं, जब दज्जाली दौर आएगा एक घूंट पानी के लिए दज्जाल को खुदा मानना पड़ेगा, वहाँ ईमान भी बाकी नहीं रहेगा, हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए कि पानी खाना और पानी जो है इंसान की सबसे पहली जरूरत, सबसे पहली जरूरत। दज्जाल उसका फायदा उठाएगा, ये पूरा जखीरा अपने पास अपने मातहत कर लेगा, अपने कब्जे में कर लेगा, फिर वो ऐलान करेगा। इधर बच्चे तरस रहे हैं, बीवी तरस रही है, माँ बाप तरस रहे हैं, पानी पिला दो, पानी पिला दो, कहीं पानी नहीं मिल रहा। उस वक्त पानी जो होगा वो दज्जाल के पास, जब दज्जाल के पास पानी पूछने के लिए जाएंगे वो कहेगा पानी में जरूर दूंगा लेकिन पहले मुझे खुदा मानवा। लो जी, कितना बड़ा सौदा होगा। दज्जाल जो खुदा मानेंगे तो पानी मिलेगा, दज्जाल जो खुदा मानेंगे तो खाना मिलेगा, दज्जाल जो खुदा मानेंगे तो सब कुछ मिलेगा। फिर ईमान कहाँ बाकी है? अल्लाह के नबी ने पहले से ही पेशी गोइयां बता दी हैं कि दज्जाल जब आएगा ये तमाम चीजें उसके काबू में होंगी। इसलिए हम उसी दौर की तरफ जा रहे हैं, उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। पानी का इस्तेमाल थोड़ा हो, बाद में क्या करते हैं, बॉटल लेते हैं, एक दो घूंट पी करके फेंक देते हैं। अरब ममालिक में जो हालात है, बाज मालूमात रखने वाले बाज तजुर्बेकार फरमाते हैं कि ये जो हालात आए हैं अरब ममालिक में ज्यादा फजूल खर्ची की वजह से आ रहे हैं। इसलिए कि वो लोग खाना बनाते थे, एक दो लुकमे चखते थे, बाकी फेंक देते थे, फजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो गई। फिर ये हालत हो गई कि वो जो लोग कभी घरों में खाना बनाते नहीं थे, होटल से मंगा करके पूरी जिंदगी खाए गए, एक दो लोगों में चखने का बाकी फेंक देने का एक मंजर वो आया कि फिर वही लोग कूड़े उड़ानों में एक एक दाने को तरसते हुए ढूंढते हुए पाए, कूड़े एक एक दाने को तरस तरस करके। फजूल खर्ची अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमें इज्जत के साथ साथ हमें पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि अल्लाह बारिश आप बरसा रहे हैं, ये रहमत की बारिश होती है, बस अल्लाह तो अजाब वाली बारिश न बन जाए जो दूसरी कौमों पर आए थे। लेकिन मेरे दोस्तों, इस उम्मत पर कभी भी इज्तिमाई अजाब नहीं आए। इस उम्मत पर अल्लाह के नबी की तरफ से बड़ा फजल ये है, इस पूरी उम्मत पर कभी इज्तिमाई अजाब नहीं आए। कहीं कहीं थोड़ा बहुत अल्लाह किसी को दिखाने के लिए दे दे वो अलग बात है, लेकिन इज्तिमाई तौर से पूरी उम्मत को अल्लाह खत्म कर दे ऐसा नहीं होगा। इसलिए उम्मत कयामत तक चलने वाली उम्मत है, इसकी जिसके जिसके शुरू में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जिसके आखिर में ईसा अलैहि सलाम हो, वो उम्मत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ने हमको बारिश दी है, अल्लाह ने पानी को बरसाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसका तरीका यह है कि हम जितना हो सकता है पानी की कदर करें और पानी को बचाएं, फजूल खर्ची से बचाएं, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। ये पानी आब हयात है, कहते हैं कि जिंदगी का पानी, इसको पी लेते हैं इंसान जिंदगी भर जीता है। उस अंदाज के खाने पानी में हयात रखी है, जिंदगी रखी है। इसीलिए आप किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर के वहाँ पानी डाल दें, एक महीने के बाद देखिए वहाँ पेड़ उगाए, पौधा उगाए, और पानी दे बड़ा पेड़ बन जाएगा, और पानी दे फल आएंगे, फ्रूट आएंगे, इस तरह की तमाम चीजें आएंगी। और आप उस वक्त पानी नहीं दे रहे हैं,
तो वो पैर सूख करके खत्म हो जाता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें पानी के जरिए से हयात रखा है, जिंदा रखा है, इसकी हमें खूब कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, फजूल खर्ची से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। बाद लोग आकर के पानी चलाते हैं, चला करके चले जाते हैं, सिर्फ पानी वजू के लिए कितनी जरूरत पड़ती है, पानी थोड़े से पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन चाबी चालू करके बैठ जाते हैं, मिसवाक कर रहे हैं, बात कर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल थोड़ा होना चाहिए और पानी का फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह हमको पानी की कदर की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।